महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और उसके कुछ स्वघोषित काबिल पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुकेश अंबानी के घर इंटीरिया के बाहर जो एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार बरामद की गई थी, जिसमें तमाम तरीके के विस्फोटक पदार्थ पाए गए थे, इसके पीछे की जो साजिश निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं सचिन वाजे का जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहा है। इसके बारे में आपको आगे बताएं, उससे पहले आपको सचिन वाजे के बारे में एक दो बातें बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सचिन वाजे मुंबई पुलिस के वही नाकाबिल पुलिस अफसर हैं जो कि रिपब्लिक नेटवर्क के पत्रकार अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए सुबह होने से पहले ही उनके घर पर पहुंच गए थे, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरीके की फटकार लगाई गई थी, ये सारी चीजें किसी से भी छिपी हुई नहीं है। सचिन वाजे से जुड़े इस केस में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर छोड़ी गई थी, कहा जा रहा है कि जब अर्णब गोस्वामी को नवंबर के महीने में अन्वय नायक खुदकुशी केस में गिरफ्तार किया गया था, तब सचिन वाजे इसी स्कॉर्पियो को खुद ड्राइव करके अलीबाग तक गए थे। ये वही ठाकरे सरकार की काबिल पुलिस है जिस पर यहां तक आरोप लगे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपियों को सबूत मिटाने के लिए खूब समय दिया है। ये वही मुंबई की काबिल पुलिस है जिसने बिहार से गए एक आईएएस ऑफिसर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्वारंटाइन कर दिया था कि कहीं वो सुशांत के केस में कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन ना कर लें जिससे सुशांत के जो गुनहगार हैं वो जेल में चक्की पीसते हुए दिखाई दें। पिछले कुछ महीनों से मुंबई पुलिस का रवैया कैसा रहा है ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से आंख और कान बंद करके उनसे जी हुजूरी करवाती आई है ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे से एनआईए ने तकरीबन 12 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर जो असली वजह निकलकर सामने आ रही है उन्हें जानने के बाद में आप शायद थोड़े से निराश हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पुलिस का काम होता है लोगों की रक्षा करना, लेकिन अगर रक्षा की भक्षक बन जाए तो ऐसी ही तस्वीर बनती है जैसी फिलहाल मुंबई में बनती हुई दिखाई दे रही है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के घर के बाहर जो विस्फोटक पदार्थ से लदी स्कॉर्पियो कार पकड़ी गई थी वो मुंबई के रहने वाले मनसुख नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस केस की जांच के दौरान जो है 5 मार्च को खबर आती है कि मनसुख की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। मनसुख हिरेन के परिवार का आरोप है कि सचिन वाजे ने ही उन्हें मौत के घाट उतारा है। मुंबई में रहस्यमय मौतें बहुत होती हैं, फिर वह चाहे वो एक्टर हों या फिर आम आदमी हों। जब यह मामला एनआईए को सौंपा जाता है तो महाराष्ट्र की सरकार ये कहती दिखाई देती है कि केंद्र सरकार मुंबई पुलिस की काबिलियत पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जब एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सचिन वाजे से पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है तो सारी की सारी काबिलियत सामने निकलकर आने लगती है। बताया जा रहा है कि सचिन वाजे ने खुद अपना गुनाह एनआईए के सामने जो है कबूल किया है पूछताछ के दौरान जो 12 घंटे तक पूछताछ की गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पहला मामला है जहां पर ठाकरे सरकार की नाक के नीचे एक पुलिस अधिकारी की तरफ से ये गुल खिलाए जा रहे थे, या फिर सुशांत जैसे मामलों में भी इनकी एक अहम भूमिका होती है। बहरहाल इसे लेकर फिलहाल कुछ बोलना मैं समझता हूं कि जल्दबाजी होगी, लेकिन सुशांत के मामले को लेकर सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उम्मीद यही है कि दोषी तो पकड़े ही जाएंगे। साथ के साथ ये भी निकलकर सामने आएगा कि आखिर दोषियों को बचा कौन रहा था। सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।